పౌరసత్వ సవరణ చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీపై బీజేపీ నూతన జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆగ్రాలో జరిగిన సీఏఏ ర్యాలీలో నడ్డా పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మానసిక రుగ్మతతో బాధపడుతోందని ఆయన విమర్శించారు. సీఏఏపై దేశ ప్రజలకు కాంగ్రెస్ తప్పు పట్టిస్తోందని నడ్డా ఆరోపించారు. और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तो पहली जनसभा भी मैं आगरा में कर रहा हूं. यह कुछ आगरा के साथ विशेष रिश्ता दिखता है. वैसे भी जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रथम बार मैं कार्यकर्ताओं को मुखातिब हुआ हूं. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको बड़ा करने में हमारे पूर्व अध्यक्षों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है, निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने पार्टी का आयाम न सिर्फ संख्या में बढ़ाया बल्कि प्रदेशों में सरकार लाने में भी बढ़ाया है. मैं आपके माध्यम से पार्टी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके तप से, आप सबके कर्मठ योगदान से मैं पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और पार्टी को सबसे आगे बढ़ा करके रखूंगा. कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक मानसिक दिवालियेपन की दृष्टि से गुजर रहा है. कांग्रेस पार्टी के वक्तव्य अगर आप पिछले 8 महीने के उठा के देखेंगे तो वो सारे वक्तव्य पाकिस्तान को मदद करने वाले वक्तव्य आपको दिखाई देंगे. और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि धारा 370 पर दिया हुआ वक्तव्य राहुल गांधी का पाकिस्तान ने यूएनओ में तकरीर के रूप में उसको इस्तेमाल किया है. ये पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, भारत की भाषा बोल रही है. अगर सर्जिकल स्ट्राइक करो तो प्रूफ मानते हैं, अगर बालाकोट करो तो प्रूफ मानते हैं. जो देश के हित में किए गए काम होते हैं उसको सराहने की ताकत भी कांग्रेस पार्टी खो चुकी है, उसकी शाबाशी देने की ताकत भी खो चुकी है. इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरा आगरा से कुछ विशेष संबंध है. जब मैं प्रभारी बनकर के आया था तो पहली बैठक भी मैंने आगरा में ही की थी और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तो पहली जनसभा भी मैं आगरा में कर रहा हूं.